कृषि उपज मंडी के सामने बन रहे ब्रिज के कारण फैल रहे कीचड़ के कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश के बाद इस कदर कीचड़ हो गया है कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। रोजाना कीचड़ के चलते वाहन चालक गिर रहे हैं। लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो गया है। इधर कृषि उपज मंडी के सामने निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे सड़क नहीं बनने से नाराज युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सड़क पर कीचड़ में ही बैठ गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कीचड़ से निकल रहे वाहन चालकों पर फूल भी बरसाए। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि ब्रिज राजनीति की भेंट चढ़ा है। ब्रिज बनाने से पहले सर्विस रोड भी नहीं बनाई। जन प्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए ब्रिज छोटा कर दिया। 4 महीने पहले से रोड खोद के रखती है और यहाँ पर रोड नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसा का ऐसा ही ब्रिज जो है विकास नगर चौराहे पे, वहाँ पर पहले सर्विस रोड बनाई है, लेकिन सिर्फ मंडी के यहाँ पे ना सर्विस रोड बनाई गई है, मुरम के नाम से गारा पटक किया जाता है। इस विरोध में जब तक यहाँ पर रोड सर्विस रोड या मुरम नहीं डाली जाएगी और अच्छे से उसको लेवल नहीं किया जाएगा, जब तक युवक कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जो समस्या को लेकर बैठे थे, हाँ, जो मिट्टी बहुत हो रही थी रोड पे, और जो फिर कलेक्टर साहब की तरफ से स्कूल इंजीनियर को भेजा है और मिट्टी हटा के मुरम डालने का काम करेगा। सूने मकानों को निशाना बनाने के बाद अब चोर कंप्यूटर सेंटर को निशाना बना रहे हैं। नहार दरवाजा थाने के बड़ा बाजार के राजबाड़ा में स्थित कंप्यूटर सेंटर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर 10 कंप्यूटर के साथ 30,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। दरअसल ये चोरी किरण कंप्यूटर सेंटर में बीती रात हुई। नहार दरवाजा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली की यूनिट BNP ने CSR योजना के तहत कवड़िया में नल जल योजना का लोकार्पण मुख्य महाप्रबंधक राजेश बंसल ने किया। BNP के जनसंपर्क अधिकारी और CSR के नोडल प्रभारी संजय भावसार ने बताया कि BNP ने बागली विकासखंड के ग्राम कवड़िया को गोद लिया है। वहाँ प्रत्येक घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए ओवरहेड टैंक बोरवेल का निर्माण किया है। इसी के साथ ही कवड़िया के हर घर में नल स्थापित कर स्वच्छ जल पहुँचाना सुनिश्चित किया है। पानी की सुविधा हो गई आपको? यहाँ पर पेयजल की बड़ी समस्या थी। अभी बैंक नोट पर देवास द्वारा नल जल योजना का हमारे यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। बैंक नोट पर द्वारा निर्माण हुआ है टंकी का, और हर घर कनेक्शन नल जल कनेक्शन दिए गए हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या से आज हमको निजात मिला है और आज इसका उद्घाटन हुआ है। मेंढकी रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज की तीसरी भुजा की मांग को लेकर क्षेत्रीय रहवासी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कई बार रहवासियों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मुखर्जी नगर के रहवासियों ने सुनवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि ब्रिज निर्माण के बाद रहवासियों के आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में रहवासी घूम कर कॉलोनी में आ रहे हैं। लोगों ने ओवर ब्रिज की तीसरी भुजा विजय नगर तरफ से बनाने की मांग की। रेलवे ब्रिज के लिए जो सेतु हमारे इधर आनी चाहिए थी वो जाके मिला दी इन्होंने मेंढकी रोड पे, और जो हमारे लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत घूम के जाना पड़ रहा है और काफ़ी दूरी है इधर। अब यहाँ जितनी जनता निवास करती है बहुत ज़्यादा है जनता, विजयनगर अलकापुरी और मुखर्जी नगर की जनता। यहाँ पर पुल बन रहा है और वहीं पर हम खड़े हुए हैं चावड़िया दूध डेयरी के पास में, और बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और ऑटो वाले भी मनमानी पैसे लेते हैं, मतलब चाहे जब उनको बोलो तो कम ही नहीं करते हैं, और हमको बहुत घूम के आना पड़ता है, बच्चों को परेशानी होती है, इधर कीचड़ से साइड से जाओ तो कीचड़ वगैरह रहता है। मेंढकी रोड पर बन रहे ब्रिज की अनियमितता व मुखर्जी नगर अलकापुरी विजयनगर राजाराम नगर की ओर तीसरी भुजा उतारने की मांग, अंडर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर हम लोगों ने आज 2 दिवसीय भूख हड़ताल की है। हमने पूर्व में भी धरना आंदोलन किए, रेलवे DRM का अवगत कराया, परंतु आज दिनांक तक कोई प्रक्रिया या कोई प्रोसेस में नहीं लिया गया, इसलिए हमने आज भूख हड़ताल की है।